वहीं उत्तर प्रदेश में गुरुवार को दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 फीट तक पानी भर गया है। राहत कार्य में एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें लगाई गई हैं। वहीं उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी वर्षा के कारण परेशानी बनी हुई है। पहाड़ों में जहां वर्षा के साथ हुए भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग 72 घंटे से बंद है। वहीं सड़कों पर 4 धाम के विभिन्न पड़ावों पर 2800 यात्री फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में शारदा और राप्ती नदियों में उफनाने की शाहजहांपुर के 70 से अधिक गांव और जिले का मेडिकल कॉलेज जलमग्न हो गया है। वहीं बिहार में भी वर्षा और नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी भराया है। बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो वहां वज्रपात से भी गुरुवार को 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राजमार्ग 3 दिन से बंद हुआ है और अभी तक खुल नहीं पाया है। इस कारण मार्ग के दोनों तरफ 2800 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं। वहीं बुधवार को इन यात्रियों ने वाहनों में और विभिन्न पड़ावों पर रात गुजारी। वहीं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सेना, व्यापारी और स्थानीय निवासी यात्रियों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं।